हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पवार आपके लिए आज एक डाई लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा एज वालों के लिए है। 45 जैसे 45 45 के बाद जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं उनके लिए है। वैसे तो आप इसे कम उम्र में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे 35 पाओ, लेकिन 45 वालों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा आज जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो आप देख लीजिएगा क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छी है बालों के लिए इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी खादी हर्बल मेहंदी, दूसरा मैं इस्तेमाल करूंगी इसमें हरड़ के पत्तों का पाउडर, तीसरा मैं इस्तेमाल करूंगी इसमें नीम के पत्ते। हरड़ के पत्ते इसलिए इस्तेमाल करूंगी क्योंकि हरड़ के पत्ते जो होते हैं बालों को कलर करने के काम आते हैं, साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल होते हैं तो बालों में जो भी आपके इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा नीम भी बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल होता है तो ये भी इन्फेक्शन दूर करता है, साथ साथ बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, बालों को ग्रोथ बहुत अच्छी करता है इसलिए। और इसमें इस्तेमाल करूंगी मैं मिक्स हर्ब, ये मैंने आंवला शिकाकाई हरड़ के पत्ते हरड़ बहेड़ा और क्या वो प्याज और लहसुन के जो छिलके हैं उन सबको मिक्स करके उसका पाउडर बनाया हुआ है। और इसमें इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं आंवला का जूस। ये मैंने जो मिक्स हर्ब है मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके बालों में थोड़ा इन्फेक्शन है या बालों में देर से कलर आता है उनके लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आपके बालों में कलर देगी, इसे ज़्यादा टाइम भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए। और इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं अपना सीरम जो मैं रेगुलर सब डाई में यूज़ करती हूँ इसलिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके बालों को कलर करने में काम आती है, साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करेगी, बालों को बहुत ज़्यादा जो डैमेज हो गए ना उन्हें बहुत जल्दी रिपेयर करेगी, इसलिए मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी ये सीरम जो मैंने बहुत वीडियो में यूज़ किया हुआ है। और इस्तेमाल करूंगी इसमें नॉर्मल हीना इसलिए इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है, और जितना भी अगर आपको जैसे मैं खादी मेहंदी यूज़ कर रही हूँ तो उसके साथ जितना भी इसमें अगर थोड़ा बहुत भी आपके बालों में केमिकल का असर होगा तो वो इन चीज़ों से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बालों को में कलर आएगा बहुत अच्छा आएगा लेकिन केमिकल का असर बिल्कुल भी नहीं होगा बालों में, इसलिए मैं ये सब इतनी हर्ब यूज़ कर रही हूँ उसमें कि केमिकल का असर बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसके लिए इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं लूँगी इसमें मैं एक चम्मच पूरा भर कर लूँगी इसमें मैं जो खादी हिना है वो लूँगी, फुल टीस्पून आपको लेनी है ये। और इसमें एक ही चम्मच मैं लूँगी जो मेरी मिक्स हर्ब है वो लूँगी मैं इसमें, और एक ही चम्मच मैं जो हरड़ के पत्ते हैं उसका पाउडर लूँगी इसमें मैं। अगर आपके पास हरड़ के पत्तों का पाउडर नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल जो हरड़ होती है उसका पाउडर ले सकते हैं, लेकिन लेना जरूर है क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल होती है हरड़, इसलिए हरड़ मिलता है तो हरड़ के पत्तों का पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो हरड़ के जो फल होते हैं उसका पाउडर ले सकते हैं आप इसमें। और आधा चम्मच लूँगी मैं इसमें जो नीम के पत्ते हैं उसका पाउडर, और एक फुल टी स्पून लूँगी इसमें मैं हिना। अभी मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे रूट्स में अप्लाई करूंगी तो इसलिए आप अपने बालों के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को डबल कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी लिया और आपको कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ को बढ़ाना है। इसलिए अब इसे बनाने के लिए मैं ये सब चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करनी है। पहले मुझे इसमें मैंने ली है एक चम्मच हिना ली है मैंने फुल टी स्पून, एक चम्मच ही मैंने जो मैंने ये खादी हर्बल मेहंदी है वो ली है, और आधा चम्मच ही मैं एक चम्मच ली है मैंने इसमें जो मिक्स हर्ब का पाउडर लिया है, आधा चम्मच नीम का पाउडर लिया है, और एक चम्मच ही मैंने जो हरड़ के पत्ते हैं उसका पाउडर लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जो एलोवेरा का जूस है वो डालेंगे। एलोवेरा मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें आपके केमिकल जिन लोगों को लग रहा है कि उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है उनके लिए मैं जितनी भी हर्ब यूज़ कर रही हूँ वो केमिकल का असर बिल्कुल ख़त्म कर देंगी इसलिए। अब इसमें मैंने एक चम्मच एलोवेरा का जूस डाला है। अब इस पेस्ट को बनाने के लिए जितना हमें सीरम की ज़रूरत है वो उतना हम सीरम डालेंगे इसमें। आप इसे आयरन की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं इसलिए। अब इस पेस्ट को बना लेंगे हम अच्छे से। अच्छे से इस पेस्ट को बनाना है, बिल्कुल लम्स नहीं रहनी चाहिए इसमें। थोड़ा हल्का पतला करूंगी क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो डाई जल्दी सूख जाते हैं, तो हल्का पतला करना चाहिए जिससे कि पूरा रूट्स में अंदर तक जो है इसका इफेक्ट जाए इसलिए। अभी देखिए मैंने डाई का पेस्ट बना लिया अच्छे से।
अब आपको लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो कितनी ये आप इसे 35 के बाद किसी भी उम्र में लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें इतनी सारी हर्ब डाली है तो केमिकल का असर बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि अगर खादी में थोड़ा बहुत केमिकल है तो वो बिल्कुल भी आपके बालों में असर ना करे, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारी हर्ब डाली है। दूसरा, इसे लगाने के लिए आप 35 के बाद इसे कितनी भी उम्र में, कितनी भी ज्यादा उम्र में इसे लगा लीजिएगा, ये बहुत अच्छी है बालों के लिए, बिल्कुल सेफ है। और आपको लगाने के लिए क्या करना है, बिल्कुल बालों को क्लीन रखना है। पहले डाई लगाने से एक दिन पहले आप शैम्पू कीजिएगा, बालों को बिल्कुल क्लीन कीजिएगा, उसके बाद आप इसे डाई को अप्लाई कीजिएगा क्लीन बालों में। अच्छे से लगाने के बाद आप इस एक शावर कैप जरूर लगा लीजिएगा बालों में, अगर शावर कैप नहीं है तो एक पॉलिथीन से आप अच्छे से बालों को कवर कर लीजिएगा, जिससे कि इसका इफेक्ट बालों में अच्छे से जड़ तक जाए और बालों को अच्छे से कलर मिले। तीसरा, आप जब डाई को अच्छे से कम 20 से 25 मिनट आप इसे रख लेंगे, या आधा घंटा, या फिर आपके पास जितना टाइम है आप इसे रख लीजिएगा बालों में, लगभग 1 घंटे के करीब भी रख सकते हैं आप। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा व्हाइट हैं और एज ज़्यादा है वो इसे 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जिन लोगों के बाल बहुत कम है, बहुत कम व्हाइट है, तो वो इसे 20 मिनट या 25 मिनट भी अपने बालों में रख सकते हैं। लगाने के बाद आपको प्लेन पानी से सिर को धोना है, कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसमें एलोवेरा लिया है और जो भी हर्ब लिए हैं वो नेचुरली बालों को बिल्कुल क्लीन कर देंगी, बिल्कुल साफ कर देंगी इसलिए। और लगाने के बाद आपको प्लेन पानी से सिर धोना है, उसके बाद आप देखेंगे जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आपके बालों में कितना अच्छा कलर आएगा। और दूसरा, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा व्हाइट है इस हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं, यानी कि जिन लोगों की एज ज्यादा है और बाल बहुत ज्यादा व्हाइट है इस हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं, और जिन लोगों के बाल बहुत कम व्हाइट है वो इस हफ्ते में 1 बार लगाएं, इसलिए क्योंकि उनके बाल कम है व्हाइट तो एक बार में उनके बालों में अच्छे से कलर आ जाएगा। और लेकिन जो लोग केमिकल वाली डाई यूज़ करें और फर्स्ट टाइम डाई यूज़ करें हैं नेचुरल, तो वो इसे लगभग हफ्ते में 3 बार लगाएं, तभी उनके बालों में कलर आएगा, क्योंकि केमिकल कल का असर खत्म होने में टाइम लगता है बालों से। इसलिए आप इसे, मैंने सबको अच्छे से बता दिया कि आपको कैसे यूज़ करनी है, कितनी एज में कैसे लगानी है, आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।